साथियों, राजस्थान की घटना आपको पता है कि राजस्थान में क्या हुआ था। वहाँ पर कुछ लोगों ने एक आदमी से कहा था कि तेरे बेटे की शादी घोड़ी पर नहीं होगी, तो घुड़चढ़ी नहीं करेगा। थे वो कुछ नमूने करनी पड़नी सेना के भी थे और कुछ मनुवादी भी इस चीज़ को कह रहे थे कि बहुजन समाज के लोगों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है। इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा, बने रहिएगा मेरे चैनल पर। सबसे पहले सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान और आई एम बैक। साथियों, राजस्थान का वो मामला जिसमें कि कहा गया था एक परिवार से कि तू अपनी बेटे की शादी जो है ना घोड़ी पर बैठा कर नहीं करेगा, तू घुड़चढ़ी नहीं करेगा। तो इसके ऊपर उस परिवार के जो सदस्य थे, मुखिया थे, उन्होंने भीम आर्मी से गुहार लगाई थी कि मेरे बेटे की शादी में घुड़चढ़ी करना चाहता हूँ। और इस पर मैंने ठाकुर समाज, राजपूत समाज के लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश की थी, उन्होंने इस चीज़ पर मना कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है घोड़ी पर घुड़चढ़ी करके शादी करने की। तो इसके लिए उस इंसान ने भीम आर्मी से गुहार लगाई, एक प्रार्थना पत्र लिखा था और एक शादी का कार्ड भी लगाया था। अभी 22 तारीख को वो शादी थी, तो उसमें कहा गया था कि मेरी बेटे की शादी है और उसमें भीम आर्मी से आग्रह करना चाहता हूँ वो मेरे बेटे की शादी में आए और मेरे बेटे की शादी में घुड़चढ़ी कराएं। तो वहाँ पर भीम आर्मी भी पहुँची और उस बेटे की घुड़चढ़ी भी हुई और घोड़ी पर ही उसकी बारात निकली बाजे गाजे के साथ। और वो लोग जो बहुजन समाज के लोगों को, दलित लोगों को घोड़ी पर चढ़ने पर बैठने पर मना कर रहे थे, उनके मुँह पर ताले लग गए, उनके मुँह पर चुप्पी सद गई। क्यों भाई, तुम लोगों को अधिकार है घोड़ी पर बैठने चढ़ने का? अरे, तो घोड़ी की बात है, आज हमारा समाज कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया इस चीज़ से तुम सबक लो कि आज बहुजन समाज कितना जग चुका है। और उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, उनके मुंह पर कालिक पुत गई कि एक बहुजन समाज का बेटा घोड़ी चढ़कर चला गया बारात लेकर तुम्हारे मोहल्ले से, तुम्हारे घरों के सामने से, जहाँ पर कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम्हारी घुड़चढ़ी नहीं होगी। तो इससे कुछ सबक लो कि आज बहुजन जग चुका है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ सकता है और खड़ा हो सकता है कहीं पर भी। ठीक है दोस्तों, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुंह छिपाने वाली बात है जो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, हम राजपूत हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बहुजनों को दबा कर रखेंगे, यहाँ हमारा दबदबा है। तो ये उन लोगों के मुँह पर एक कालिक जैसी लग गई कि एक बहुजन समाज के बेटे को घोड़ी चढ़ने पर, बारात निकालने पर रोक नहीं पाए। अगर हिम्मत होती तो रोक पाते, लेकिन भीम आर्मी आज जग चुकी है और भीम आर्मी के साथ उस लड़के की शादी बहुत अच्छे बाजे गाजे के साथ निकली और अच्छे धूमधाम से वो शादी हुई। तो आज हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है, भीम आर्मी का साथ देने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आज हम इकट्ठा ना हुए तो ऐसे ना जाने और कितने मुद्दे सामने आएंगे, कितने मामले सामने आएंगे कि बहुजन समाज को दबाया जाएगा। तो आज हमें सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जैसे राजस्थान में उस इंसान ने भीम आर्मी से गुहार लगाई, भीम आर्मी का साथ लिया, वैसे हम लोगों को भीम आर्मी का भी साथ देना है, क्योंकि अपने समाज में सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी जीनी है तो संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा और जैसा समाज में हो रहा है उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा, क्योंकि समाज के विपरीत चलने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे विपरीत जो चलेगा, हम उसके खिलाफ उसके अनुसार ही जवाब देना होगा, ये हमारे बाबा साहब का कहना। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान की ये घटना बहुत सभी को प्रेरित करती है कि सब बहुजनों को इकट्ठा होना है और इस मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सभी लोगों तक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।